के सीरियल बेकाबू में हो गई है रानव और यामिनी के बीच झड़प। असल में यामिनी को मिल गया है मृत्युपाश, जिस वजह से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। इसी बीच रानव को भी ये पता चलता है कि उसके भाई को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि यामिनी ही है, इसीलिए वो यामिनी के पीछे पड़ गया है। लेकिन यामिनी ने अपने मृत्युपाश का इस्तेमाल कर रानव को अपने कब्जे में कर लिया है। यामिनी तो है ही ऐसी, हमेशा एकदम खूबसूरत राक्षसनी। तो मेरे लुक को लेके बहुत कुछ बोला गया है, बहुत ऑडियंस को पसंद आ रही है और मुझे हमेशा एडिट्स भेजते रहते हैं और इतना कुछ लिखते हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और यस, यामिनी अभी एकदम ज़्यादा खूनखानी हो गई है क्योंकि अभी उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया है, मृत्यु पाश मिल गया है उसको, तो अभी वो रानव को मार देगी। क्योंकि रानव को पता चल गया है कि मैंने ही उसके भाई अश्वथ को मार दिया था, बट एक्चुअली मैं नहीं मारती हूँ, लेकिन उसको लगता है कि मैं ही मार देती हूँ। तो क्योंकि मारने की मैंने कोशिश तो हालांकि की थी, तो उसे सब कुछ पता हो गया है पास्ट। सो अभी वो एकदम खूंखार हो गया है और वो सबसे पहले मुझे ढूंढ रहा है। इनफैक्ट हम लोग नागिन के जो महासंगम में गए हैं, उस शादी के माहौल में भी उसका ध्यान सिर्फ मेरे प्रति था कि वो कहाँ है, कहाँ छुपी है, क्या कर रही है। और मैं वहाँ पे मतलब यही सब जादुई ये सब मैटर मैं कर रही थी, मैं तपस्या कर रही थी और मुझे फाइनली वो मृत्युपाश मिल जाता है और मैं रानव को धोखे से वहाँ से निकाल के यहाँ पे लेके आके मैं उसको दफन कर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।